कभी भी ट्रैकिंग में हो ना, इतने दिन हो गए मैंने हैंडस्टैंड नहीं किया, सही से नहीं किया है, यहाँ पे एक बार ट्राई कर लेते हैं, वीडियो में आना बनता है। तो गाइस अ वेरी गुड मॉर्निंग, हमारा ये जो वीडियो है हमारे लास्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन है, क्योंकि आज के दिन हम जाएंगे अपने माता जी के मंदिर। बहुत बड़ा ट्रैक है, आप देखने वाले रास्ता ना पूरा उधर से ही पूरा कहीं ऊपर है, अल्लाह गाँव के भी ऊपर, काफ़ी उसके ऊपर चलना होता है। मैं केदार भैया के साथ जाऊँगा, गाड़ी से तो हम लोग जा नहीं सकते हैं, हालांकि मोटरेबल है कुछ किलोमीटर्स तक, लेकिन पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि मैं अपनी बाइक को मैं चलाऊँगा नहीं, पता ही है, क्योंकि उसके शॉकर्स तो ख़राब हो ही गए हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, पैदल ही चल लेंगे, ट्रैक करेंगे, काम भी अपना चलता रहेगा तो उसको लेकर के भी चलूँगा मैं। सेकेंडली क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हमारे भगीरथी रिजॉर्ट का, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई भी कपल है, कोई सोलो ट्रैवलिंग कर रहा है या फ्रेंड के साथ कर रहा है या फैमिली कर रही है, इम्पॉर्टेंट होता है स्टे, और अगर वो अच्छा रहे, मतलब वैल्यू फॉर मनी रहे, वो इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आपने सारी चीज़ें यहाँ देख ही ली होंगी, सारी चीज़ें ऐसी नहीं है कि आपको जिस चीज़ें बताई गई हैं जो जेन्युइन है वही सारी चीज़ें बताई गई हैं, एंड आप यहाँ पर आकर के स्टे करोगे तो आपको खुद से इसका मतलब एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एक और मतलब यहाँ पर आप समझ लो ना कि एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ इसमें कि जो फॉरनर्स होते हैं वो स्पेशली यहाँ पर आते भी हैं क्योंकि उनको मेडिटेशन करना होता है, तो वो उसके लिए आते हैं। सेकेंडली मतलब ऐसे हॉलीवुड, मतलब नाम तो नहीं ले सकता हूँ उनका मैं, उन्होंने मना कर रखा है, लेकिन हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ में आप कह सकते हो डायरेक्टर्स हैं, वो लोग भी यहाँ पर रह चुके हैं आकर के। इसके अलावा आपके बाहुबली में कुछ साइड एक्टर्स होंगे या जो भी थे साउथ इंडिया के, वो लोग भी यहाँ पर आकर के स्टे कर चुके हैं, आते रहते हैं, काफ़ी अच्छा बूमिंग कर रहा है, क्योंकि पूरे यहाँ से लेकर के पूरा आपका हर फिल तक कोई भी इतने अच्छे रिजॉर्ट नहीं मिलेंगे आपको, मतलब इस वैल्यू पे नहीं मिलेंगे आपको, और जो आपको पूरा नेचुरल और गंगा जी के किनारे तो मतलब हार्डली है, अब लोग बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, बट वो क्वालिटी वाली बात होती है ना, आप ऑलवेज वन ईयर अहेड होते हो अगर आपने पहले से स्टार्ट कर लिया है तो, मतलब डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मंथ्स या नंबर ऑफ ईयर्स आप आगे उनसे। बाकी हम चलते हैं ऊपर, आगे दिखाते हैं आपको। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, रेडी हो गया हूँ मैं तो पूरा नहा वहा करके, मतलब धुल वुल लिया हूँ, ताकि मंदिर जा रहा हूँ ना, श्रीफल लेंगे, श्रीफल लेते हैं ना केदार भैया भी अपने साथ, क्या भैया श्रीफल लेंगे, श्रीफल लेने के बाद माता जी के ऊपर चलेंगे ट्रैक करते हुए, एक दो घंटे में आ जाएंगे, है ना, चलो बढ़िया है, तो इसलिए लैपटॉप लेके नहीं चल रहा हूँ, ताकि आ करके फिर आराम से बैठ के काम करूँगा, है ना, मतलब कोई काम सही से करो, हालांकि कुछ काम तो कर ही चुका हूँ। तो गाइस ये देखो जहाँ से नब्बू भैया आ रहे हैं ना, ये अपना रिजॉर्ट का रास्ता है, ऐसे आ करके इसी के ऊपर चढ़ करके ऐसे चढ़ करके ये फिर यहाँ से आते हैं, वॉकिंग में आना है, वो देखो शॉर्टकट रास्ता ऐसे करके ये निकलता है, ये निकलता है। गाइस ये देखो पहुँच गए हम लोग ऊपर, वहाँ नीचे से आते हुए, वो देखो नीचे से हम लोग वहाँ से ऊपर आते हुए ये रास्ता होता है यहाँ। गाइस देखो ये हमारा भागीरथी रिजॉर्ट मेडिटेशन सेंटर, पूरा एरो बना हुआ है नीचे जाने के लिए, ये हमारा है रिजॉर्ट, नीचे रास्ता मैं पूरा आपको दिखा चुका हूँ, मार्ग कैसे आप जान सकते हो, देखो यहाँ से मनेरी जो डैम दिखाया था ना मैंने, मतलब अगर आपने स्टार्टिंग में जब मैं आ रहा था यहाँ पर सबका है मनेरी, यहाँ से 11 किलोमीटर है, ये देखो जब आप इस बैंड से मुड़ते हो तो यहाँ क्लियर लिखा रहता है पटवारी 3 किलोमीटर, बस इसी के नीचे वो बोर्ड आप देखो पता लग जाएगा। तो गाइस यही वो जगह है जहाँ पर मैंने अपनी एक बहुत अच्छी फोटो खिंचाई थी, मतलब एक लोकल भाई लड़का है उसने खींची थी मेरी, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे मैंने डाल रखी है तो इसीलिए आपने अगर फॉलो ना कर रखा हो तो ट्रैवल फिट अंडरस्कोर आशीष करके है मेरा, उससे आप कर दीजिएगा। गाइस देखो हमने ले लिया, ये श्रीफल है, माचिस है, दो बत्ती है और इलायची है, सारी चीज़ हमने ले ली है। तो गाइस हम लोग चल रहे हैं जैसे मैंने बताया था अभी, यहाँ से ऊपर हम चल रहे हैं ट्रैक करते हुए। तो वो देखो गाइस ये हमारे बोले तो केदार भैया का घर, चित्र त्रिपाल देख रहे हो, ये इनका घर है, ये देखो एक मंदिर ये हमारा देवता मंदिर ग्राम मल्ला, अच्छा सही है। गाइस देखो कितने बढ़िया बढ़िया पतले पतले रास्ते पे घर हैं, मैं तो चलते जाऊँ, कम हाइट पे आप जल्दी थकते हो, मतलब कम हाइट पे कम थकते हो, सॉरी करता के लिए थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पे था इसलिए मैं जल्दी थक रहे थे। तो अगर गर्तांगली वाला ब्लॉग नहीं देखा है ना तो आई बटन पे शेयर कर दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। तो गाइस देखो बहुत आसान है ऊपर चढ़ना, आराम से भागते हुए जाता हूँ मैं। तो गाइस ये देखो अपने अंकुर भैया है ना, उनका ये पुराना घर है, नया घर ऊपर है, अंकुर भैया बोले तो जिनका रिजॉर्ट है नीचे उनका यहीं पर है।
अच्छा लग रहा है, यहाँ पर छाव है, इसलिए मैं जैकेट देखो पहन के नहीं आया। कभी भी ट्रैकिंग में हो और अगर आपका टेम्परेचर अगर 10 डिग्रीज भी है उस एरिया का ना, और ट्रैकिंग कर रहे हो, तो अवॉइड करो जैकेट पहनने को, बहुत अंदर पसीना हो जाता है। और उससे होता क्या है, बाद में वो अंदर ठंडा करे। ये मैं गर्दांग गली, लांबा टॉप, फिर गर्दांग गली, फिर मैंने जो ट्रैक किया है ना, उसमें मेरे को ये लेसन मिल गया है, इसलिए मैं सिर्फ ये पहना है और अंदर एक इनर पहना है। और भी पूरा पसीने से भीग चुका है, फिट भी यहाँ रहते हो, पूरा फैट तो लॉस ही हो जाता है, बर्न हो जाता है। चलते हैं भी ऊपर भैया के साथ। तो गाइस ये देखो चने का खेत, पूरा चना यहाँ होता है। सारी फार्मिंग जो हो सकती है ना पहाड़ों पे, वो हो जाती है गांव में। अच्छा वहाँ पर वो रहा, गेहूँ की खेती होती है। गाइस ये देखो सामने वाला पहाड़ कितना, वही वाला है पहाड़, वो देखो पावर स्टेशन, और वहाँ पर हमारा, वहाँ हम लोग गए थे। और ये देखो यहाँ पर अपना रिजॉर्ट है, मतलब नीचे रोड है उसके बगल में। ये देखो सीला वाला रास्ता है पूरा, सिल्ला सिल्ला, जहाँ गए थे ना रोड एंड, सीधे वहाँ पर जा करके कहीं एंड होती है। अरे भैया भाग गए, अभी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, यस 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 यस, पकड़ लिया मैंने आपको। तो गाइस अभी कितना दूर है भैया? देखिए यहाँ पर आकर के चिल्लाना नहीं है, पहले बता चुका हूँ। अगर नहीं पता है आपको तो फरिश्तों के घर पहुंचे वाला मेरा ब्लॉग है, सेकंड या थर्ड ब्लॉग है मेरा, आप देखना। एंड उसका नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। यहाँ पर आकर के बिल्कुल शोर शराबा ना करें, सोच रहा उसको उतार दो, अब लग रही गर्मी है ना, उतार अंदर पहना हुआ है उसको, उतार देते सही रहता है, कोई से पैसे ना हो रहे मत कहो, हवा लग जाएगी, हवा आएगा। अरे अंदर हुआ है ना, इनर है, कोई अच्छा। टेंशन नहीं है, इसको बैग में तो बैग में गाय, बहुत गर्मी लग रही है इसलिए मैंने कहा उसको उतार ही दो। गाइस ये देखो, ये जो देख रहे हो ना मंदिर है, ये विजार देवता है हमारे, हमारे केदार भैया बता रहे थे, थोड़ा बताओ इनके बारे में। उनका कुल देवता है, सबका। किसका? बुजुर्ग लोगों का ना, हाँ हाँ, कुल देवता है, कुल देवता है, मतलब बुद्धे वाली बात, जैसे हमारे यहाँ कुल होते हैं ना वैसे यहाँ पर भी कुल होते हैं, उन्हीं के देवता है विजार देवता। जय हो। तो ट्रैकिंग भी कभी आते हो ना, छोटे छोटे अपने बिस्किट ले सकते हो एनर्जी के लिए, और पानी की बॉटल, हालांकि पानी आपको आगे मिल जाएगा, इशू नहीं पड़ता पहाड़ों में, लेकिन फिर भी ऐसा बैकअप के लिए पानी की बॉटल जरूर लेके चलो। और बिस्किट हम लोग अभी खाते हैं, थोड़ी एनर्जी लेते हैं, फिर ऊपर चलते हैं। तो गाइस ये देखो, ये है टंकी पानी की, पूरा गांव का पानी यहीं से सप्लाई होता है, नेचुरल पानी। अच्छा ऊपर से फाउंटेन से वो देखो वहाँ से आता है, नो बोरिंग सिस्टम। और ये है मंदिर जहाँ हमें जाना है, पहुँच गया, उसके ऊपर गाँव है। तो बताओ क्या बता रहे भैया यहाँ के बारे में? ये हमारे मल्लापाई, मल्लापाई के बीच जो है भगवती, हमारी माता चंद्रमती नाम पाते हैं, चंद्रमती माता, जो हमारे पूर्व जन्म दादा दादी माता पिता सब जैसे चल रही है, कुल की जैसे जैसे निजी देवता भी हमने बात किया था, कुल रेसाई सनी की मतलब माता है, हाँ। है ना सबकी, हाँ। सबसे ऊपर श्रेष्ठ पाई जाती है ना, उन्हीं की पूजा करने जा रहे हैं हम लोग। चलो भाई हम लोग आ गए हैं अपने माता जी के मंदिर, जूते यहीं पर उतार दिया जाएगा और वो सी बात यहीं उतारेंगे, बाकी शिव जी आपको सब जगह मिल जाएंगे। अब क्या करें? अब फाल निकाल दो। चलो भैया टीका लगा लो। जय हो भगवती माता। तो गाइस ये देखो देवदार पेड़ है, ये
इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ व्लॉग्स में अपने, जब मैं मसूरी गया था वहाँ पर भी था। ये बहुत पूजनीय पेड़ है यहाँ का, हमारे चंदुमती माता जी का या भगवती माता जी का। अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर ना व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, देख रहे हो। तो मैं सोच रहा हूँ ना, इतने दिन हो गए मैंने हैंड स्टैंड नहीं किया, सही से नहीं किया है, यहाँ पे एक बार ट्राई कर लेते हैं। वीडियो में आना बनता है। देखो गाइस, देखो चूली के नाशपाती की पेड़ है। चूली क्या काम होता है? चूली का ये कैसे क्या होता है? चूली वो खाते हैं ना, चटनी बनाते हैं। अच्छा, चटनी बनाते हैं। अच्छा, वही वाले हैं ये। ओके ओके ओके, जो मैं बता रहा था ना, बहुत अच्छी चटनी होती है, इसे की होती है चूली। वो जो एकदम झड़ा झड़ा दिख रहा है वो वाला, और बगल में नाशपाती का। अभी मैं वापस आ चुका हूँ नीचे अपने रिजॉर्ट पे। काफी बढ़िया एक्सपीरियंस था ऊपर जाना, थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया था, होता रहता है। एंड अच्छा लगा, आपने देखा होगा, काफी मतलब अलग ही पॉजिटिव फीलिंग आती है माता जी के उसमें जाते हैं तो। वाह कितना अच्छा, देखो आ रहा है व्यू, व्यू व्यू है। मिस करने वाला हूँ क्योंकि कल मैं निकल जाऊँगा यहाँ से देहरादून के लिए। देहरादून से हो सकता है दिल्ली जाने का प्लान तो कैंसिल हो गया, हम लोग जाएंगे सीधे लखनऊ। तो देखते हैं गाड़ी कैसे क्या सही करूँगा। एंड बाकी अगर अच्छा लगा हो माता जी का आशीर्वाद ले लीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं बढ़िया से अगली वीडियो में, तब तक के लिए लिवरेज।